हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बनाते हैं आज एक और नई रेसिपी। तो है मटन करी, जो मैंने ले लिया है 1 kg मटन। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसका सारा पानी निचोड़ लेना है दोस्तों, पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। इधर डालते हैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, डालते हैं धनिया पाउडर और डालेंगे गरम मसाला, जो कि डेली के मसाले जो होते हैं, हम डेली यूज़ में करते हैं। सॉरी, मैंने गरम मसाला पहले डाला है, धनिया पाउडर बाद में। इधर डाला है नमक। सो आप क्या करेंगे, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हम मिलाएंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, इसको मटन को मैरिनेट कर रहे हैं दोस्तों। मैरिनेट करने से मटन या चिकन बहुत अच्छे से बनता है, सॉफ्ट पीसेस बनते हैं, च्यूइंग पीस नहीं होते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून ले लिया था। इधर ले लिया है भुना हुआ जीरा, कश्मीरी मिर्च जो होती है लाल वाली कलर वाली वो ले ली है, कसूरी मेथी ले ली है हमने। आपके पास कसूरी मेथी ना हो तो पुदीना हो, पुदीना आप रखा हो सूखा हुआ, तो देखिए मैंने पुदीना की 1/2 टीस्पून डाली है। ठीक है, मैंने कसूरी मेथी पुदीना दोनों ही डाला था, कि हरा पुदीना नहीं है तो सूखा हुआ रखा था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया। इधर डाली है 2 हरी मिर्च मैंने स्लिट करके बीच से। इधर 1/2 नींबू मैंने निचोड़ लिया इसमें अच्छे से। ठीक है, इधर डाल देंगे हरा धनिया हम कट करके। आपके पास हरा धनिया हो डालिए अभी, नहीं तो सब्जी बनने के बाद भी डाल सकते हैं। अगर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। इधर ये सारा मसाले मिलाने के बाद हमने सरसों का तेल भी डाला था दोस्तों, ध्यान रखिएगा सरसों का तेल बहुत ज़रूरी है इसमें डालना, मैरिनेट करने के लिए तेल हम ज़रूर डालें इसमें। ठीक है, नींबू नहीं हो तो दही डाल सकते हैं 2 चम्मच। इधर हम ले लेंगे प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्च, जो भी आपको मसालों में आप लेना चाहें। 2 टमाटर कट कर लिए हैं मैंने। इधर प्याज लहसुन अदरक का हम पेस्ट बना लेंगे दोस्तों। इसमें 2 हरी मिर्च मैंने डाल दी थी, ग्राइंड कर लिया था, अच्छे से पेस्ट बना लिया था इसका। इधर इसको इसमें क्या करेंगे, हम सूखे जो मसाले होते हैं वो निकालेंगे। हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। आप याद रखिएगा मैरिनेट किया है हमने, तो मैरिनेशन के समय भी हमने नमक डाला था और मसाले डाले थे, उस हिसाब से डालिएगा। इधर हमने डाल दी है तीखी वाली मिर्च 1/2 चम्मच, हल्दी नमक मिर्च मसाला जो आप डालना चाहें, गरम मसाला डाल दिया है। आप जैसे मसाले यूज़ करते हैं उस हिसाब से अपना डाल दीजिएगा। ठीक है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। टमाटर जो मैंने 2 लिए थे वो कट कर लिए, कट करके उसी जार में मैं टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। ठीक है, टमाटर की प्यूरी बना लूँगी। इसको प्यूरी बनाने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों बाउल में निकाल लेंगे अच्छे से। बाउल में निकालने के बाद इसको साइड में उठा के रखेंगे। इधर मैंने लिए हैं 3 लहसुन, जो कि साबुत लहसुन है, इनको धुल लिया अच्छे से, साफ कर लिया है। इसको हम आगे हम यूज़ करेंगे, आप देखिएगा। ठीक है, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। इधर मैंने ले लिया लोहे की कढ़ाई, अगर आप कुकर में बनाना चाहते तो बनाइए बेशक, लेकिन जो कढ़ाई में मज़ा आता है दोस्तों वो किसी में नहीं मज़ा आता है। तो मैंने ले लिया है 2 से 2.5 चम्मच जो सर्विंग स्पून होता है, उसमें सरसों का तेल भर के ले लिया है। इधर डाल दिया जीरा, खड़े मसाले जितने भी आप यूज़ करते हैं वो सारे डाल सकते हैं। नॉन वेज में आप जानते हैं खड़े मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। तेज़पत्ता ले लिया है, दालचीनी ले ली है, हरी इलायची, काली इलायची, जो भी डालना चाहें दोस्तों वो डालिए आप। खड़े मसाले बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा, लेकिन संभल के डालिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए मैंने अभी लौंग डाली, आप देखेंगे कैसे ये तेल ऊपर मतलब बच गई थी, जलते जलते जली नहीं थी। मैंने गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी थी दोस्तों, फ्लेम देखिए है दोस्तों, मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी। उसके बाद मैंने डाली इलायची, क्योंकि बच गई थी मैं बहुत, और आप भी संभल के डालिएगा लौंग डालते समय, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ। इधर मैंने जो प्याज वाला पेस्ट जो पीसा था ना, वो सारा मैंने डाल दिया है। ठीक है, इधर हम मिला लेंगे अच्छे से इसको तेल में, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है दोस्तों। अगर मसाले आपके अच्छे हों, घर के हाथ के पिसे हुए हैं, तो मसाले इन मसालों से सब्ज़ी बहुत यम्मी बनती है। तो आप मैं आशा करती हूँ आप लोग भी मसाले घर के यूज़ करते होंगे, बाज़ार के जो पैकेट वाले आते हैं उनको ना यूज़ करिए, खड़े मसाले लाइए, घर में पीसिए। धनिया साबुत, लाल मिर्च साबुत, वो घर पर आप पीस सकते हैं, नहीं तो चक्की पर भी पिसवाते हैं लोग।
है ना। अगर मैं आपको ये राय दे रही हूँ तो दोस्तों कुछ तो सोच समझ के दे रही हूँ, तो प्लीज़ 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 मैं चाहती हूँ आप भी इसी तरह से सब्ज़ी बनाइए मेरी तरह से, जैसे मैं बना रही हूँ जिन मसालों को मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए टमाटर की मैंने प्यूरी डाल दी है, तो इसका कलर देखिए दोस्तों, आप बाहर के जो सब्ज़ी में मसाले जो ख़रीदते हैं पैकेट वाले, उससे कलर इतना अच्छा नहीं आता है। भले ही कलर वाली मिर्च आप डाल दीजिए, भले ही तेल ज़्यादा डाल दीजिए, लेकिन जो टेस्ट हाथों के मसालों में आता है, घर के हाथों के पीसे हुए मसालों में आता है, वो टेस्ट किसी में नहीं आता। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, जो कि आप लोग भूल जाते हैं, तो ऐसा मत किया करिए दोस्तों। इधर देखिए जो मसाला हमने प्याज का पेस्ट जो पीसा था ना, उसमें थोड़ा सा पानी ले लिया है, वो हम इन मसालों में लगा देंगे, ठीक है, ताकि हमारे मसाले जो कढ़ाई में लगे नहीं, ठीक है। पानी ले लिया है, अभी लगाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, पहले मटन जो है हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, मैंने 3 से 4 घंटे के लिए दोस्तों रखा था, आप आधा घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, जितना देर रखेंगे इसको फ्रीजर में उतना ही अच्छा ये बनेगा और सॉफ्ट बनेगा, च्यूइंग पीस नहीं होंगे, और जैसे कि मीट होता है ना जो गलता नहीं है कटता नहीं है, लेकिन हमने लोहे की कढ़ाई में बनाया था दोस्तों, फिर भी इतना सॉफ्ट पीस बने थे, बहुत ही यम्मी बना था, मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों, आप देख सकते हैं देखने के बाद भी कलर, इसको बनने के बाद भी आप देखेंगे पता चल जाएगा, पता लग जाता है वो तो देखने के बाद कि किस तरह की सब्ज़ी बनी होगी। प्लीज़ मेरे तरीके से बनाइएगा और मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो फुल वॉच कीजिए, तभी तो आपको पता लगेगा ना मैंने कैसे बनाई है। अब मुझे पता है लोग बहुत अच्छा बना लेते हैं, मुझसे भी बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन जो चीज़ें कहते हैं ना कि हाथ में माँ के हाथ में होता है वो किसी में नहीं होता है, तो हर माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा ही बनाती है, तो इसी तरह से मैंने बनाया दोस्तों अपने बच्चों के लिए, तो आप भी बनाइए इंजॉय कीजिए। पूरी पराठे रोटी किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं, नान राइस मटन तो आप जिसको अच्छा लगता है जो बनाते हैं, मैं उनको कह रही हूँ दोस्तों, जो नहीं खाते हैं तो उनके खाने के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, हम लोग पसंद करते हैं तो उस हिसाब से बनाते हैं, बच्चों को पसंद है तो उस हिसाब से बनाइए खिलाइए परिवार में सबको, सब खुश रहते हैं इन सब चीज़ों से। अच्छा बच्चे जो होते हैं ना वो छुट्टियों में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं आराम से खाने की हैं, तो अच्छे से बनाइए और इंजॉय कीजिए। ये देखिए मैंने ढक के अच्छे से पका लिया है 2 से 3 बार, ये देखिए सारा जो पानी था हमारा सूख गया है, मसाले ही मसाले रह गए। थोड़ा सा क्या करेंगे, जो बाउल में हमने मसाले पीस के रखे थे ना उसी को हिला के थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे, ठीक है। फिर इसको डालने के बाद अच्छे से ढक देंगे, ढक के हम 20-25 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि मटन है दोस्तों, मैरिनेट करने के बाद भी इसमें टाइम लगता है, सो याद रखिएगा, देखते रहिएगा और ढकते ढक ढक के पकाइएगा, तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं पकने के बाद छोड़ दीजिएगा इसको, नहीं दोस्तों देखते रहिएगा और लो फ्लेम पे पकाइएगा। ये देखिए हमारा मटन बनके तैयार है दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी तो बताइएगा प्लीज़ दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मेरी रेसिपी पर बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।